आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का शनिवार को पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद ने प्रसार भारती केंद्र के प्रसारण कक्ष, वार्ता कक्ष और रिकॉर्डिंग स्टूडियो की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री से बात कर समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही पुराने हो चुके ट्रांसमीटर को बदलने के लिए बात करेंगे, जिससे आकाशवाणी केंद्र की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर आकाशवाणी केंद्र की सहायक निदेशक कार्यक्रम डॉक्टर निर्जा माधव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, भैया सुनील अंबेकर की और एक राजीव शर्मा मध्य प्रदेश का प्रश्न भी कर लिखा वो मतलब शैली लिखने को लेकिन भैया मुंह जरा चीज से बात कर रहे हैं तभी तो जो बताइए आते हैं वो है कंट्रोल रूम में आते हैं और यहाँ से फिर वो जाता है ट्रांसमीटर और तब जाकर एयर पे जाता है। वो ये हमारा एफएम का ट्रांसमीटर है जो जहाँ से एफएम पे जो आपने करवाया मंदिर जी से कहकर प्रधानमंत्री से तो तब ये एफएम भी चल रहा है। मैंने अनुराग जी से बात किया है जी जी हमने कहा कि अब तुझे से समय निकालो या कुछ देर के लिए मास्क हटा दीजिए हैं और गोरखपुर चलो आकाशवाणी का भी वो करो और दूरदर्शन का भी जो है उसका भी मशीन लग करके सब पड़ी हुई है। भैया बल्ले आकाशवाणी का भैया वो अल्लाह होंगे उससे मतलब नहीं होंगे यहाँ से मतलब बल्ले यहाँ का देखिए पहली तो यहाँ निर्जा जी के कहने के आधार पर एक रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें नियम इत्यादि जो राज्यसभा के और सब का वो हुआ है। उसके बाद हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण में ये हुआ कि यहाँ की कुछ आवश्यकताएँ भी है जो आप लोगों ने बताया है उसको हम सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से भी चल करके बात करेंगे और उसको पूरा कराने का काम करेंगे। देखिए कई चीज़ें हैं ना कि एक तो प्रोग्रामिंग की बात है तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रामर को भी बढ़ाना चाहिए और जो विस्तार की बात है वो विस्तार भी होना चाहिए। बहुत पुराना आकाशवाणी है बीच में यहाँ का प्रसारण तक बंद होने की स्थिति आ गई थी जिसको मैंने स्वयं इसके पहले के जो सूचना प्रसारण मंत्री थे उनसे बातचीत कर करके इसको रुकवाया, नहीं तो कलाकारों को यहाँ काम भी नहीं मिल पा रहा था। वो हो गया है लेकिन अब ट्रांसमिशन पुराना है तो पुराना होने के नाते अब उसको बातचीत कर करके प्रयत्न करेंगे कि कुछ नया यहाँ लग जाए ताकि उसका विस्तार हो सके। अब देखो जहाँ हम हैं भवन तो पुराना है
लेकिन कोई चू नहीं रहा है, सब ठीक है। इस नाते कहीं और होगा तो आप बताइएगा, मैं उसको चल करके देख लूंगा और फिर उस पर क्या कर सकता हूँ तो बताऊंगा। कमी तो अभी हमने सबसे बड़ी बात यही है कि जो इन लोगों की आवश्यकता है कि ट्रांसमीटर पुराना है उसको ठीक कराया, नया कराया जाए, ये जरूरी है। कमी ही नहीं, प्रोग्रामिंग देखना चाहिए, और गोरखपुर का जो आकाशवाणी है उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी प्रसिद्धि भी बहुत है। गोरखपुर से प्रसारण पहले नेपाल तक होता था, इसमें नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा क्यों? इसी नाते हमारे ख्याल से कि ट्रांसमीटर के वो है, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि कहीं न कहीं इसके पहले के निदेशक ने एक आध भूल की, जो अन्य जगहों पर ट्रांसमीटर लगे, यहाँ हमने जब सूचना प्रसारण मंत्री से बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई वहाँ के लिए कहा नहीं गया था, इस नाते दूसरी जगह भेज दिया गया था, अब उसको लगवाने का प्रयत्न करेंगे जी।